गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में फिर हम मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ गए हैं। तो देखते हैं बिना देरी हुए आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्न क्या एक, इफ थ्री अपॉन फाइव होल क्यूब इन टू थ्री अपॉन फाइव होल पावर माइनस सिक्स इक्वल थ्री अपॉन फाइव होल पावर टू एक्स माइनस वन, ठीक है। देन एक्स इज इक्वल टू, मतलब x का मान फाइंड करना है। यदि तीन अपान पांच होल पावर होल घाट तीन, फिर तीन अपान पांच होल पावर माइनस सिक्स इक्वल थ्री अपान फाइव होल पावर टू एक्स माइनस वन है, तो x इसके बराबर होगा। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन जो है इसका सलूशन देखते हैं। थ्री अपान फाइव होल पावर थ्री या होल घाट तीन, अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जब दो ब्रैकेट होते हैं तो इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणा होता है, ठीक है। इसमें लगा नहीं है। थ्री अपॉन फाइव होल पावर माइनस सिक्स इक्वल थ्री अपॉन फाइव होल पावर टू एक्स माइनस वन। मेन क्वेश्चन ये है हमारा, यहां से मुझे एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, सरल करने के बाद। तो देखो, एक हमने फार्मूला बताया था, ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल, ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं बेस, या हिंदी में आधार बोलते हैं, और ये जो होता है इसे घात बोलते हैं, अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, ठीक है। जब ये बेस समान हो, मतलब ये जब समान हो और गुणा का निशान लगा हो, तो पावरें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ए पावर एम प्लस एन हो जाए। सेम चीज यहां लिखा, देखो बेस कितना है, तीन अपॉन पांच है, यहां तीन अपॉन पांच है। अभी हम बराबर के इस तरफ की बात कर रहे हैं, बराबर के उस तरफ नहीं गए, तो क्या होगा, पावरें जुड़ जाती हैं। हमने क्या किया, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल a पावर m प्लस n, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन फाइव, ये तो हमारा a की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद कह रहा m ये n ये, तो m की जगह क्या है, m की जगह थ्री है, लेकिन n की जगह माइनस सिक्स है, ध्यान रखना। तो माइनस सिक्स क्योंकि प्लस होगा और माइनस आएगा, तो प्लस को माइनस कर देगा, इक्वल थ्री अपॉन फाइव होल पावर टू एक्स माइनस वन। यहां तो क्लियर। अब इसके आगे देखो, एक और फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, ए पावर एम हो इक्वल ए पावर एन हो, जब ये बेस समान हो, मतलब इनको क्या बोलते हैं, आधार। तो जब आधार समान होता है, लेकिन बराबर साइन बीच में लगा हो, वहां पर इंटू साइन लगाता, गुणा का निशान लगाता, तो पावरें जुड़ गई थी। लेकिन जब आधार समान हो और बराबर का निशान लगे, तो पावरें भी समान होंगी, एम बराबर एन। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, देखो आधार समान है, तीन पान पांच तीन पान पांच, तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब थ्री माइनस सिक्स है, तो इसको दो डिफरेंट साइन है, दो अलग अलग निशान है, एक प्लस है एक माइनस है, तो घटेगा, चिन्ह बड़ी का संख्या, चिन्ह जो है बड़ी संख्या आएगा, दो डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्ट होगा और साइन मैक्सिमम नंबर का आएगा, तो मैक्सिमम नंबर क्या आएगा, सिक्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस वन। इस माइनस को इधर ले आओ तो प्लस वन हो जाएगा और माइनस थ्री इक्वल टू एक्स। अब यहां पर भी सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस टू इक्वल टू एक्स, कुल मिलाकर तुम्हारा कितना आ गया, टू एक्स इक्वल माइनस टू। तो
x बराबर कितना होगा, माइनस टू अपॉन टू, टू टू बढ़ गया, टू अजा दो एकम दो, x की वैल्यू जो आ रही माइनस हो, जो हमारा इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, x बराबर वन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इसका x बराबर माइनस वन, यानी c आपके लिए राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, मतलब एक सीरीज दे रखी है, हिंदी वाले बच्चे समझ रहे हैं, मतलब एक श्रेणी दे रखी है, इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं लेकिन एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इससे दोनों तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग के भी हो जाएंगे, मैथमेटिक्स की भी हो जाएगी। सीरीज दे रखी है 4, 9, 20, 43, 90 कॉमा क्वेश्चन मार्क, हमें इसमें ऐसा लॉजिक लगाना है, ऐसा मेथड लगाना है इसमें कि एक सीरीज बने एक सीक्वेंस के अनुसार, मतलब एक एक क्रम के अनुसार बने जिससे हमारा नेक्स्ट नंबर फाइंड हो जाए। इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए 180, बी 186, सी 185 एंड डी 181। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन वैलिड होगा, तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सीरीज जो हमारी दे रखी है 4, 9, 20, 43, 90 क्वेश्चन मार्क, अगला नंबर मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है, तो देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर हम 4 × 2 करते हैं तो हमारा कितना होता है 8, और प्लस 1 करते हैं तो हमारा कितना हो गया 9, ठीक है, ये इसके लिए हुआ। अब यही नंबर हम 9 × 2 करें तो 9 × 2 = 18, और यहां हमने 1 ऐड किया तो अब 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा 20 हो जाता है, ठीक है। आगे देखें क्या यही लॉजिक लगता है, 20 × 2, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है और उधर एक नंबर बढ़ता जा रहा है, 2 × 40 + 3 = 43, यहां पर हमारा लॉजिक सही चल रहा है, क्या आगे भी ये लॉजिक फॉलो करता है देखते हैं। 43 × 2 = कितना हुआ 86, ठीक है, और प्लस अभी तक हमने 3 जोड़ा था, 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 90 × 2 = 9 × 18 = 180 + 5 = 185, यानी हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है इसमें जो लॉजिक लग रहा है 185 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। कैसे आ रहा है देखो, एक नंबर में पहले हम 2 से गुणा कर रहे हैं, जो गुणनफल आ रहा है उसमें 1 जोड़ रहे हैं तो हमको 9 अगला नंबर प्राप्त हो रहा है। अब देखो इसी 9 में हम 2 से गुणा फिर कर रहे हैं, फिर इसके बाद वो 18 आ रहा है, 18 में हम 1 के बाद 1 बढ़ा रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, 2 किया तो 20 आया, 20 आ गया। इसके बाद ये जो है यहाँ 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, प्लस में 1 करके इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा लॉजिक लग रहा है कि मतलब जो ये नंबर दे रखे हैं इनमें क्रमशः हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आए उसमें 1, 2, 3, 4 हर बार 1 बढ़ा के जोड़ना है, ये लॉजिक लग रहा है। मतलब 4 × 2 इनका गुणा करने के बाद, 2 से गुणा करने के बाद, फिर 1 बढ़ाने के बाद हमको 1 नंबर बढ़ा के, अगर इसके बाद और अगला नंबर देखना होता तो क्या आता 180 × 185 करते और उसमें 6 जोड़ते, ठीक है, सो अगला नंबर आता, लेकिन मुझे 1 नंबर चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मार्क,
तो मुझे पता है कि क्वेश्चन मार्क में कितना आया है 185। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन के राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ए रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। मतलब एक सीरीज दे रखी है, यानी कि एक श्रेणी दे रखी है जिसमें से इनमें से कोई एक नंबर गलत है, वो गलत नंबर मुझे ढूंढना है। फाइंड आउट मतलब इसमें पता लगाना है कि वो गलत नंबर कौन सा है। वो हम अपना लॉजिक लगाकर देखेंगे कि एक सीक्वेंस में सीरीज चल रही हो और एक नंबर उसमें वो सीरीज में मतलब फॉलो ना कर रहा हो सीक्वेंस में, वही नंबर गलत होगा। तो देखते हैं इसकी सीरीज जो श्रेणी दे रखी है 4, 10, 43, 90, 185, 376। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो 4 × 2 करें तो हमारा कितना हो रहा है 8, और प्लस 1 करें तो हमारा 9 हो रहा है, ठीक है। अब 9 × 2 करें 9 × 2 = 18 हो रहा है, और प्लस 2 जोड़ेंगे इसमें तो 20 हो रहा है। इसके बाद 20 × 2 करेंगे तो 40 होगा, और प्लस 3 जोड़ेंगे तो 43 होगा, और 43 × 2 करें तो कितना हो रहा है ये 86 हो रहा, प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90। तो हमारा लॉजिक जो है पकड़ में आ गया। देखो ये हमारी सीरीज चल रही है, चार मतलब जो सीरीज दे रखी उसमें पहले तो दो दो से गुणा करते जाओ, और जैसे चार में मैंने दो से गुणा किया, पहले तो एक जोड़ा, इसके बाद एक इंक्रीज किया, दूसरा जोड़ा जो जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन है, सेम लॉजिक लग रहा है, फिर इसके बाद 3 जोड़ा, फिर इसके बाद 4 जोड़ा। तो देखो हमारा जो लॉजिक लग रहा है 4 और 10, ठीक है, पहला नंबर 4 आ रहा, यहाँ आ रहा 10, और फिर आ रहा 20, 43, 90। तो देखो ये 20, 43, 90 तो हमारे फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे एक सीरीज में चल रहे हैं लेकिन 9 सीरीज में नहीं है। तो अब इसके आगे और देख लेते हैं, 90 × 2 करेंगे 180, और प्लस 5, 185, ये भी फॉलो कर गया, 185 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, 7, 370, और प्लस 6, क्योंकि एक एक इंक्रीज हो रहा मतलब एक एक बढ़ रहा, तो 376। यानी हमें पूरी जो सीरीज है ना यहां से लेकर के यहां तक एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, क्या सीक्वेंस, 2 से मल्टीप्लाई और इधर एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यहां तक पूरी सीरीज फॉलो हो रही है, 4 नंबर ये फर्स्ट डिजिट है तो ये पहला नंबर हमारा आ गया, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा है ना यहाँ पर ये गलत हो रहा है, ये 10 नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग नंबर है, 10 की जगह क्या होना चाहिए 9 यदि होता तो हमारा सही होता। तो हमने इस सीरीज में ये पता कर लिया कि इसमें रॉन्ग नंबर गलत नंबर कौन सा है 10 है 10। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम करते हैं ये सीरीज का क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 6, 13, 25, 52, 101, 203, 6, 13, 25, 52, 101, 203। इसमें से कोई एक संख्या है जो कि गलत है, वो मुझे निकालनी है। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित सीरीज में से गलत नंबर गलत संख्या जो है वो निकालना है इस श्रेणी से।
तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, जो सी दे रखी है 6 है कॉमा 13 है कॉमा 25 है कॉमा 52 है कॉमा 101 है कॉमा 203, ठीक है। ये एक सीरीज दे रखी है जिसको हम श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। इसमें से कोई एक नंबर रॉन्ग है, इसको गलत बोलते हैं, ठीक है, वो मुझे ढूंढना है इसमें से। तो देखते हैं, क्योंकि जो सीरीज होती है लॉजिक के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में चलती है, अगर किसी में माइनस वन हो रहा है ना तो उसी के अकॉर्डिंग माइनस वन प्लस वन इस तरह से सीरीज चल रही है, तो अगले में माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस, हो सकता है वहां मल्टीप्लाई भी हो या डिवाइड भी हो, वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉजिक लगाकर। तो देखते हैं 6 से 13 कैसे आया। देखो 6 में मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 12, और प्लस 1 किया तो हमारा आ गया 13, ठीक है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा जैसे 6 से 13 कैसे आया, इसी प्रकार ये 13 से 25 कैसे निकलेगा। तो देखो हमारा लॉजिक निकल रहा है, अगर 13 इंटू 2 कर दें तो 13 दूनी 26 होते हैं, लेकिन यहाँ 25 आ रहा तो यानी माइनस 1 करो तो ये 25 आ गया, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि यही लॉजिक पूरी सीरीज में लागू हो रहा है, पूरी श्रेणी में लग रहा है, तो फिर यही लॉजिक चलेगा कंटिन्यू, अगर नहीं तो दूसरा लॉजिक देखते हैं। अब देखो 25 इंटू 2, 25 गुण 50, अभी तक हमने प्लस 1 किया माइनस 1 किया, तो अब किसकी बारी आ गई प्लस 1 की, यानी 51 आ जाएगा। और आगे चलते हैं, 51 इंटू 2 इक्वल 102 और माइनस 1 होगा तो 101 आ जाएगा। हमारा ये सीक्वेंस चल रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हर नंबर में और एक बार प्लस दूसरे सेकेंड में माइनस फिर प्लस अगेन फिर माइनस अगेन, तो यही हमारा सीरीज चल रही है, ठीक है। अब देखो एक और चेक कर लेते हैं, उससे हमारा सीरीज यही चल रही है 101 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 202 प्लस 1 होगा तो 203 आ जाएगा। इसी प्रकार और आगे कोई नंबर होता तो 203 इंटू 2 यानी ये आ जाता 406 माइनस 1 इक्वल 405, इसके आगे का नंबर आएगा 405। तो देखो सीरीज देखते हैं 6 13 25 51 101 203, यानी मुझे पता चल गया ये जो 52 है ना ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि ये इसमें बाधा डाल रहा है, नहीं तो हमारी सीरीज ये कंटिन्यू चल रही है, यानी कि यहाँ पर 51 होना चाहिए तो हमारी सीरीज मतलब फॉलो करिए, ठीक है। तो यहां से डिसाइड हो रहा है, निश्चय हो रहा है कि 51 52 इज अ रॉन्ग नंबर, तो ऑप्शन में क्या है 52 52 इसका ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा है कि गलत। यहाँ जो 51 लिखा है 51 नहीं है 52 ही है, ठीक है। तो इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया, रॉन्ग नंबर पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, क्योंकि 52 नंबर गलत है, उसकी जगह 51 आया, वो लिखने में मिस्टेक हो गई थी, मैंने 51 लिख दिया और 52 ही था। अब
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 संख्या 5 व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सीरीज में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा ठीक है एक ये सीरीज चल रही 250 230 225 205 और 198 169 इसके बाद ये नंबर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कोई एक नंबर होगा जो इन चार ऑप्शन में से एक वैलिड होगा ठीक है तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है इसका सोल्यूशन क्वेश्चन क्या है हमारा 250 है कॉमा 230 है कॉमा 225 है कॉमा 205 है कॉमा 198 है कॉमा 178 है कॉमा 169 है कॉमा यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है तो देखते हैं इसके क्या लॉजिक लग रहा है इस 250 के बाद 230 कैसे आ रहा तो देखो 250 माइनस अगर हम 20 करें तो हमारा कितना आ रहा 230 आ रहा ठीक है आप देखो 230 से इस वाले से माइनस 5 कर दें तो हमारा 225 आ रहा फिर अगेन 225 से माइनस 20 कर दें तो हमारा कितना आ रहा है 205 आ रहा है ठीक है इस 205 से माइनस 7 कर दें तो हमारा आ जाएगा 198 से माइनस 20 कर दें तो कितना आ जाएगा 178 और 178 से माइनस 9 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 169 ठीक है अब 169 से माइनस 20 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 149 ठीक है तो इसमें देखो लॉजिक क्या लग रहा है इसमें क्या लॉजिक लग रहा है एक में तो पहले बार 20 माइनस किया जा रहा है फिर ये क्या नाम और नंबर चल रहे हैं 5 फिर 7 फिर 9 इसके आगे अगर जाएंगे तो 11 आएगा माइनस फिर 20 यानी एक तो ये 20 माइनस हो रहा है फिर यहां से 5 माइनस हो रहा है 20 तो चल रहा है कंटिन्यू एक एक करके अल्टरनेट में 5 के बाद 7 आया और नंबर और 7 के बाद और नंबर क्या आता है 9 आया ठीक है तो इस तरह से लॉजिक चल रहा है कि पहले माइनस 20 फिर माइनस 5 फिर अगेन माइनस 20 फिर माइनस 7 फिर माइनस 20 फिर माइनस 9 फिर अगेन माइनस 20 तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आ जाएगा 149 आएगा इसलिए कौन सा नंबर आ जाएगा 149 ये राइट आंसर होगा इसका तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इस क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा ठीक है
क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट दिस सीरीज। टू कॉमा थ्री कॉमा सिक्स पंद्रह पैतालीस क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट दिस सीरीज श्रेणी को पूरा करें। 2, 3, 6, 15, 45 कॉमा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आएगी, ठीक है? इसके ऑप्शन और लिख देते हैं, ए बी सी डी। इसके जो ऑप्शन है 112.5 157.5 135 है और 180 है। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। कंप्लीट दिस सीरीज श्रेणी को पूरा करें। 2, 3, 6, 15, 45 क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो इसका सलूशन देखते हैं। 2, 3 है, कॉमा 6 है, कॉमा 15 है, कॉमा 45 है, कॉमा क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे नंबर निकालना। देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। 2 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 का तो कितना आ जाएगा, 15 × 30 यानी 3.0 आ जाएगा, यानी 3 मुझे मिल रहा है, ठीक है? इसके बाद इसको हम 3 लिख सकते हैं। अब 3 × 2 कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 × 6 आ जाएगा, वो भी मिल रहा है, ठीक है? अब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2.5 से। 25 × 6 = 150 होते हैं और पॉइंट ए का क्वार्ट यानी ये 15 आ गया, हमारी सीरीज निकल रही है। 3, 2 तो इधर है, 3, 6, 15। अब 15 × 2 कर दे नहीं करेंगे, इसमें 3 करेंगे तभी आएगा 45, यानी 2, 3 इस तरह से करेंगे सीरीज। ठीक है, ये 45 आ गया। अब देखो 45 में किसका मल्टीप्लाई कर दें जो नेक्स्ट नंबर आ जाए। सीरीज चल रही है 1.5, फिर इसके बाद पॉइंट मतलब इसमें 0.55 ऐड हो रहा है, ठीक है? जैसे 1.5 हुआ, इसमें 0.5 और ऐड किया तो 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 0.5 और ऐड किया तो 2.5 से मल्टीप्लाई, अब इसमें 0.5 और किया तो 3 से मल्टीप्लाई, अब इसमें 0.5 और करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.5 आएगा इक्वल। इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, इसका 45 मल्टीप्लाई 3.5 पार्ट कर जाओ, 5×25 5×20 5×15 ये हो गए 35 इस सैंतीस के साथ हासिल थी, और इधर 4×12 यानी पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पर, यानी 157
0.5। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 157.5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन भी राइट आंसर होगा इसका, मतलब 1.5 से स्टार्ट हुआ, फिर 0.5 उसमें और ऐड किया तो 2 बना, उससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 में 0.5 और ऐड किया तो 2.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2.5 में 0.5 और ऐड किया तब 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 में 0.5 और ऐड किया तो 3.5 से मल्टीप्लाई किया। ये लॉजिक लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, 36 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट इट इन 8 डेज। क्वेश्चन में कह रहा 36 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, हाउ मैनी मैन विल बी कंप्लीट इट इन 8 डेज। क्वेश्चन ये है 36 आदमी एक काम को, हिंदी वाले समझो, 36 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं तो कितने आदमी आठ दिन में उसी काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये पूछा गया है, मतलब अगर यही काम 8 दिन में करना हो तो कितने आदमी लगेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है, M1 और D1 इक्वल M2 D2। यहाँ पर M बराबर है मेन से रिलेटेड और D बराबर है डे से रिलेटेड। ठीक है, दिन मतलब मेन मतलब ये हो गए 36, M1 कितना हो गया मैन 36 इंटू D1 कितना हो गया 10 दिन है, इक्वल M2 कितना हो गया, नहीं M2 तो निकालना है, D2 कितना हो गया 8 दिन, तो ये हो गए 8। M2 ही निकालना है क्योंकि M1 तो दिया हुआ, ये आदमी दिए हुए इसमें आदमी नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, काट दो 4 × 8, 4 × 9 = 36, 9 × 90 इक्वल 2m2 आ जाएगा। ठीक है, 2m2 इधर ले जाओ और 90 इधर ले जाओ, m2 बराबर कितना हो जाएगा 90/2, 45 × 90 होते हैं, यानी m2 की वैल्यू आ गई 45। मतलब अगर 45 आदमी काम करें, 36 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, एक कोई काम है मान लो एक फैक्ट्री में कोई काम है तो 36 आदमी उसी काम को करने में 10 दिन लगा लेते हैं। तो इसे पूछा यह गया था कि अगर वही काम जो 10 दिन लग रहे हैं अगर उसको मैं जो 8 दिन में काम कराना हो तो कितने आदमी लगेंगे, तो वही मुझे आदमी निकालना था, आदमियों की संख्या निकालनी थी, यानी M2 बराबर 45 आ गया। यहाँ से ये पता चल गया कि अगर हम 45 आदमी लगा दें तो जो 36 आदमी 10 दिन में काम कर रहे थे तो 45 आदमी उसी काम को 8 दिन में कर देंगे। क्वेश्चन ये, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 45 यानी बी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ठीक है,
देखो बच्चों अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 सिंपलीफाई सॉल्व करना है। 3a रूट में इधर है और 3 पावर यानी 3 पावर ये रूट के अंदर है और जो 3a रूट से बाहर है इक्वल 27 लिखा हुआ है। ठीक है, जब इस तरह से लिखा होता है तो पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे इसका क्वेश्चन लिखते हैं। ये 3 यहाँ लिखा हुआ है एकदम रूट से कटा हुआ, 3 पावर n इक्वल 27। तो इस तरह से जब क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले तो मुझे रूट हटाना होता है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 पावर n लिखो और रूट हटाने के लिए 3 है तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट जैसे x का है ये रूट हटाते हैं तो x पावर हाफ होता है, लेकिन यहाँ पर ये 3 है, 3, 4, 5 जो होगा तो वो होल पावर ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 5 होता तो होल पावर 1/5 जाता है, इक्वल 27 को फैक्टराइज करो, 3 × 9 = 27। अब देखो इस तरह से जब होता है तो एक फार्मूला होता है m पावर a पावर m होल पावर n, तो इसका मतलब होता है a पावर m n। ठीक है, इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 3 पावर n जो ऊपर चला जाएगा n/3 इक्वल, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ तो 3/3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहां तक समझ गए तो आगे फिर देखो। अब मैंने बताया था एक फार्मूला कि जब बेस ये देखो आधार है ये पावर है, अगर आधार जिसको हम बेस बोल रहे हैं ये समान और बराबर का साइन लगाओ बीच में इक्वल का साइन लगाओ तो उनके पावर के बराबर होते हैं। अगर यही जगह आधार और बेस मल्टीप्लाई में हो समान हो बेस आधार तो वो पावर जुड़ जाती, लेकिन यहाँ बराबर है। हमने दो फार्मूले बताए थे, एक तो बताया था a पावर m हो इक्वल a पावर n हो लेकिन बराबर का साइन, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर, हिंदी में बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है, इसी प्रकार ये भी आधार हो गया और बेस, और ये हो गया पावर। ठीक है, तो ये जो बेस क्या यहां ए है, ए है और बराबर साइन लगा है तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, एम बराबर एन, मतलब बेस आधार है उनकी पावरें भी बराबर होंगी। और दूसरा जो बताया था a पावर m इंटू a पावर n, मतलब दोनों में यहां बराबर है, ध्यान देना यहां बराबर है तो पावरें भी बराबर होंगी, यहां आधार बराबर है तो पावरें भी बराबर होंगी, यहां आधार समान है लेकिन पावरें आधार गुना में है तो पावरें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी a पावर m प्लस n, दोनों में ये अंतर है। इसको एक नंबर दे दो, इसको 2 नंबर, ये दो फार्मूले याद कर लो तो उसमें कभी गलती नहीं होगी, यानी आधार समान है लेकिन बीच में बराबर का साइन लगा है तो पावरें भी समान होंगी, लेकिन दूसरे में आधार समान है और गुणा का निशान लगा बीच में तो वो पावरें जुड़ जाएंगी, बस इतना लाजिक है। यहां पर क्या है, एक नंबर देखो बराबर है तो ये जो आधार हो गया है 3 यहां भी है 3 यहां भी है, मतलब आधार समान होना चाहिए, ये नहीं यहां 3 हो यहां 4 होता हो जाएगा तब नहीं हो पाएगा, तो यहां जब आधार समान है
तो n by 3 equal 3 आ जाए, क्योंकि भाई आधार समान है तो बेस समान है, पावर भी समान होगी। अब हम क्या करते हैं, 3 अपॉन 1 कर लेते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में तिरछा गुणा या तिर्यक गुणा बोलते हैं, n का 1 में करोगे तो n आ जाएगा, बराबर साइन लगाओ। 3 का 3 में करोगे, 3 3 का 9, 3 3 जा 9, तो हमारा n का मान निकल आया कितना, 9। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, एन का मान निकालना था इसमें से और हमारा एन का मान कितना आ गया, 9। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंप्लीफाई करना, सरल करना या सभी तरफ। क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर a माइनस b, ये पावर में है a माइनस b, और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर b माइनस b, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर a माइनस b, यहां प्लस का साइन, 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर b माइनस b। अब देखिए इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर a माइनस b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर b माइनस a में हमने माइनस काम ले लिया। जब माइनस कामन ले लेते हैं तो ए प्लस का हो जाएगा और बी माइनस का हो जाएगा, ऐसे कामन लेते हैं, ठीक है। यानी बी माइनस ए में जब माइनस कामन लेंगे तो ए तो प्लस का होगा लेकिन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उससे पहले माइनस, और जो बी प्लस का वो माइनस का हो गया, ठीक है। आगे देखो, 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर a माइनस b प्लस 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 2 पावर a माइनस b, क्योंकि जब 2 पावर माइनस 1 होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 बाई 2 बाई, जब इसको नीचे लाएंगे पावर को प्लस में हो जाएगा, वही मैंने यहां किया, 2 पावर माइनस ए है मान लो, तो 1 अपॉन ए लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 2 पावर ए माइनस बी, माइनस का काम खत्म क्योंकि नीचे चला गया। अब क्या करो, इसके अपॉन 1 करो और इसका और इसका लघुत्तम लेंगे एलसीएम ए माइनस बी, ए का भाग देंगे तो ये इतनी बार जाएगा, ये गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पावर a माइनस b, और ये प्लस का साइन लगाओ, इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, एक बार a बचेगा, एक का गुणा एक में तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा आया क्या, उत्तम अंकों पर है, हमारा आया फाइनल 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर a माइनस b, ठीक है, इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और ये प्लस साइन लगा हुआ है। अब देखो 1 अपॉन के बाद क्या ये आया है, इतना पार्ट एलसीएम लेने के बाद, तो ये चीज आएगी 1 अपॉन 2 पावर a माइनस b और प्लस 1, ठीक है, और इसके अपॉन कितना है, 2 पावर
ए माइनस बी। यहां तक समझ में आ गया तो फिर आगे देखते हैं। अब देखो इक्वल वन अपान वन प्लस टू पावर ए माइनस बी प्लस साइन, ये तो नीचे लगा है ऊपर चला जाएगा, टू पावर ए माइनस बी अपान में जो तो लिखा है वही आ जाएगा, टू पावर ए माइनस बी प्लस वन। अब यहां पर देखो एक चीज देखो, ये वाला सेम है, केवल अंतर ये है प्लस वन इधर लिखा है और प्लस वन उधर लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं। वन अपान वन प्लस टू पावर ए माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा है, यहां तो वन बचा ठीक है, वन अपान लिया है और प्लस यहां क्या बचेगा, ये तो बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, बचा क्या टू पावर ए माइनस बी ठीक है। अब देखो वन प्लस टू पावर ए माइनस बी, वन प्लस टू पावर ए माइनस बी ये मल्टीप्लाई में है, वन अपान वन प्लस टू पावर ए माइनस बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में वन प्लस टू पावर ए माइनस बी और ये ब्रैकेट क्लोज्ड ठीक है। तो देखो ये सेम है, ये वाला ये वो ऊपर है ये नीचे कट गए, बचा कितना वन, इसका आंसर वन आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इसका सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, समझे। इस प्रकार देखने में क्वेश्चन बड़ा था लेकिन कुछ नहीं, उसमें थोड़ा हेरफेर करना था इधर से उधर और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सिंप्लीफाई सरल करना, ये भी नहीं दे रखी, इसको सिंप्लीफाई करना, इसको लंगड़ा भी नहीं बोलते हैं, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करो, इस पार्ट 3 प्लस 4 पान 5, इसके पान 1 किया 5 एलसीएम आया, इसका भाग दिया 5 बार गया, इसका गुणा किया 5 15 प्लस 5 का भाग दिया एक बार गया 4 से गुणा यानी 19/5 आ गया। तो हमारा ये कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 अपान 19/5 है, 19/5 आएगा तो ये 5 ऊपर चला जाएगा ठीक है। अब ये क्या बन गया, 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 10 अपान 19। अब इस पार्ट को हल कर लो, चलो यही कर लेते हैं, 1 अपान 1 प्लस 10 अपान 19, 1 और 19 का एलसीएम है 19, 1 से भाग दिया 19 बार गया, 19 से 1 मल्टीप्लाई 19 और प्लस 10 यानी आ जाएगा 19/19 यानी अब हमारा क्या आ गया, 1 प्लस 1/ इसका पार्ट कितना आ गया 29/19 आया है, तो आगे क्या आ जाएगा 1 प्लस ये 19 ऊपर चला जाएगा 19/29 ठीक है। इसके पान एक करो 29, 1 और 29 का एलसीएम ले लिया, एक का भाग दिया 29 बार गया 29 का गुणा 29 में किया 29 आ जाएगा, प्लस 29 का भाग 29 में किया एक बार गया, एक का गुणा किया 19। अब 19 और 29 जोड़ दो कितने हो गए 18 और 2 3 4/29 मतलब इसका आंसर 48/29 आ जाएगा। ऐसे ऐसे एक पार्ट करके हम सॉल्व कर ले तो आसानी से निकल आता, वैसे लोग इसको ट्रिक द्वारा भी सॉल्व करते हैं लेकिन अभी मैंने एक्सप्लेन करके पूरा बताया है, बाद में इसकी हम ट्रिक भी बता देंगे जो आसानी से निकल आएगा ठीक है। अभी मैंने स्टेप बाय स्टेप नीचे से स्टार्ट करेंगे,
ये वाला पार्ट किया, फिर जो आया ये इसका पार्ट किया, फिर जो आया ये पार्ट किया। तो इस तरह से ये इस भिन्न को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। तो हमारा 48/29 आ गया, इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। 48/29 इसमें एलसीएम बहुत जरूरी है, एलसीएम नहीं आता तो फिर मिस्टेक करोगे। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन को देख लिया आप लोगों ने, इसका आंसर सॉल्यूशन देखो, ए बराबर 64 है और बी बराबर 289 है। इसमें पुट करना है मुझे, और इसके होल पावर ये क्या है, रूट में रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट में रूट बी माइनस रूट ए और होल पावर हाफ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले रूट लगाओ, रूट में ए की वैल्यू कितनी है 64 रखो, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 289 है, माइनस फिर रूट लगाओ, बी की वैल्यू कितनी है 289 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 64 और होल पावर 1/2। इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ए और बी का मान रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये बड़ा रूट रहा, इसका रूट कितना होता है, 8 × 64 होते ना, 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा, तो 8 हमने लिख दिया, प्लस 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 × 17 = 289 होते हैं। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 17 × 17 = 7 × 49 84, 7 × 7 और 7 × 7 ये कितने हो गए 14 और 4 18 हो गए, ठीक है, 18 हो गए, 18 × 8 हासिल 1, 1 × 1 = 1 जोड़ दो 289 हुए, तो 289 का जो स्क्वायर रूट या वर्गमूल कितना होता है 17, माइनस साइन लगाओ, फिर ये बड़ा वाला रूट, फिर ये रूट निकालना पड़ेगा 289 का, तो ये 17 आ गया, माइनस साइन माइनस लगा दो, 8 × 64 = 8 आ गया। अब इसके होल पावर कितना है 1/2, 8 और 17 जोड़ो कितने हो गए 25 रूट में, और माइनस 17 से 8 हटाओ कितने होंगे 9, होल पावर हाफ, यहां तक हमारा निकल आया। अब आगे देखिए, कितना निकल आया हमारा, रूट में है 25 माइनस रूट में है 9 और होल पावर 1/2, इतना निकल आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस 25 का वर्गमूल निकाल लो, रूट 25 का तो कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में 5 आएगा, माइनस इस 9 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालो कितना आएगा 3, तो 5 − 3 = 1/2, और 5 से 3 गया तो कितना बचेगा 2 = 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 /
1/2, यही हमारा आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमारा ऑप्शन भी ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, रूट में है 4³ + 15² और होल पावर 3 है, मतलब रूट में है 4³ धन प्लस का निशान 15² 15² और होल पावर 3 है, ठीक है, का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से कोई एक मान होगा, देखते हैं इसका संयोजन निकालते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या चाहिए, रूट में दे रखा है 4³ + 15² और ब्रैकेट लगा है होल पावर 3, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट में पहले इनका इस 4³ कितना होगा, 4 × 4 × 4 तीन बार होगा ना, 4 × 16 = 64, तो इसका मान तो 64 होगा। अब ये प्लस लगा तो प्लस लगा दो, 15² मतलब 15 × 15 = 15, 15 यहाँ 225 होते हैं, 15 × 15 = 225, तो ये 225 आएंगे। और होल घात कितनी है, होल घात 3 चली रही है, ध्यान रखना होल घात ना भूल जाता। अब ब्रैकेट में कितना आ गया, 64 और 225 को जोड़ो कितना हो गया, 225 और 64 289, यानी रूट में 289 और होल घात 3। अब देखो 289 अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में निकला था, 289 किसका वर्गमूल होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, यानी 17 का स्क्वायर रूट होता है, 17 रूट तो फ्री हो गया, रूट स्क्वायर रूट निकाल लिया, अब यानी घात 3 लगा हुआ है, ठीक है। अब घात 3 लगा हुआ है तो इसको सिंप्लीफाई करना है, कितना निकल के आ गया, 17³, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, इसका मतलब होता है 17 × 17 × 17 थ्री टाइम्स, मतलब अगर एक्स की घात 4 मतलब क्या होगा, एक्स करना 4 बार, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार 17³ है तो 17 × 17 × 17 तीन बार, 217 का गुणा हम जानते हैं 289 होता है, ठीक है। और गुणित 289 में 17 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, कर लो गुणा ऐसे, 63, 756, 662, 6 + 8 = 14, 6 × 20 × 289 तो कितना आ जाएगा, 3 × 9 = 11 या 9 × 4 मतलब 49 × 13 इसका मतलब इसका होल क्यूब आएगा 49 × 13, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसका इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो पुलिस का हो या एसएससी आल लेवल या हाई कोर्ट का एग्जाम हो या आईएएस का हो या पीसीएस का हो। आईएएस पीसीएस में जो सी सेट का पेपर आता है जिसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग आती है, उसमें ये सब क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ लॉजिक लगाना होता है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर बेसिक क्लियर है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हर एक परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रेलवे हुआ तुम्हारा, एटीपीसी हुआ और एसएससी सीजीएल हुआ, टीचर्स लाइन में जो उसमें भी मैथमेटिक्स रीजनिंग आती है, सीडीएस हुआ, एनडीए हुआ, जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। ये फर्स्ट टाइम चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।